इसकी काम है, अब मैं उतरूं कैसे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोनिका और आज हम जा रहे हैं जामुन खाने और जामुन तोड़ने भी। हमारे खेत में एक पेड़ है तो उस पर काफ़ी अच्छे जामुन आए हमारे यहाँ, क्योंकि बारिश अच्छी हुई थी। एक ही बार हमारे यहाँ बारिश हुई पर काफ़ी अच्छी हुई थी, इसीलिए जामुन अच्छे पक चुके हैं। तो बने रहिए हमारे इस ब्लॉग पर, और अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो आप हमारे इस ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम इस पर जाएंगे, बैठ रहे हैं, हम इस पर बैठ चुके हैं, चलिए चलते हैं खेत पर। अब ये हमारे यहाँ ही मंदिर है गोगा महाराज का, देखिए ये रहा तालाब, देखिए कितना पानी भरा हुआ है यहाँ पे, ये बारिश का पानी है पूरा। ये हमारा खेत है पूरा, और इतनी दूर वो हमारा जामुन का पेड़ है, वहाँ छोटे छोटे बच्चे अभी जामुन ले रहे हैं, उनको पता नहीं कि हम आ चुके हैं। ये फसल वगैरह उगाने के लिए मतलब अच्छी बारिश हो गई, एक बार हुई थी पर काफ़ी अच्छी बारिश हुई, जैसे अपन फसल लगा सकते हैं, इतनी बारिश हो गई। अब बाद में आएगी वो सोने पे सुहागा होगा बारिश हमारे लिए। हमारे पहले ये बच्चे आ चुके हैं लेने के लिए जामुन की, अब हमें देख कर नीचे उतर रहा है। जामुन के पेड़ पे कभी बच्चों को चढ़ना नहीं चाहिए, पर ये बच्चे मानते नहीं है, क्योंकि जामुन होती है वो एकदम कमजोर होती है। लिया है ऊपर अंडर ऑफिसर ने, और मैं जा रहा हूँ ऊपर पेड़ के ऊपर चढ़ने के लिए। अभी ये चढ़ेंगे ऊपर, और वो लड़का नीचे उतर चुका है, अभी ये चढ़ रहे हैं। काफ़ी ऊपर चढ़ा था लड़का, इन बच्चों को जामुन खाने के चक्कर में इनको गिरने पड़ने का डर नहीं रहता है। अब ये भी चढ़ रहे हैं, देखिए हमारा जामुन कैसा है, मीठा है हाँ। आइए, ये बच्चों ने तोड़ तोड़ के नीचे कितने गिराए, काफ़ी गिरे हुए रहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं भी ऊपर आने की सोच तो रही हूँ, पर कभी मैं चढ़ी नहीं पेड़ पे, अभी पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, देखती हूँ कि मैं कामयाब होती हूँ कि नहीं। तो मैं आसमान की ऊंचाइयों पर, और अभी देखिए कितनी, अभी जरा सी जगह में मैं चढ़ी हूँ, मुझसे तो चढ़ा भी नहीं गया, इन्होंने मुझे खींचा फिर भी मैं अभी यहीं अटकी हुआ कि जामुन के ऊपर से फिर ये सीन ले रही हूँ मैं। तो मैं अभी पेड़ पर, और ये ऊपर जामुन तोड़ रहे हैं, काफ़ी ऊंचाई पे चढ़े हैं ये, मैं नहीं चढ़ पाती हूँ, मैं पहली बार, फर्स्ट बार है मेरा कि मैं पहली बार ना पेड़ पे चढ़ी हूँ, कभी कभी मैं पेड़ पे चढ़ी नहीं हूँ ऐसे कि ये तोड़ रहे हैं यहाँ पर। ये उधर की साइड में ज़्यादा अच्छे हैं, पर उधर हाथ में आते नहीं है, क्योंकि ये एक ही डाली है उधर चढ़ने का, काफ़ी दूर है ये, इसलिए वो उधर के टूटते नहीं है, वो ऐसे गिर के नीचे टूट जाते हैं। ये जामुन कितने बड़े बड़े हो गए, कैसे हैं, एकदम मीठे हैं, एकदम मीठे, काफी मीठे हो गए हैं। आप उस दिन लाए थे वो थोड़े कम मीठे थे, पर ये ज्यादा मीठे हो चुके हैं। चलिए अब खाने की तैयारी करते हैं। ये लोग खेत पर ही रहते हैं, ये खेत में काम करने वाले हैं।
मैं सिर्फ एक जगह पर ही बैठी हूँ क्योंकि मुझे चढ़ना भी नहीं आता, और ऊपर अगर गिर गई तो फिर हाथ पैर टूट जाएंगे मेरे। जिसे भी खाने हैं वो आ सकते हैं हमारे यहाँ जामुन खाने के लिए। जामुन सेहत के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं और डायबिटीज़ के जो पेशेंट रहते हैं उनके लिए रामबाण औषधि यही है। इसलिए जब जामुन का सीजन हो तो जामुन खूब खाएं। और मान लो अगर गलती से तुमने बाल खा लिया है तो जामुन खाओ, तो जो जामुन खाते हैं ना तो वो बाल अपने आप गल जाता है पेट के अंदर। और ज़्यादा भी नहीं खाएं, अगर ज़्यादा खाते हैं तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है इससे। देखिए ये जानवरों ने खाया, ये चिड़िया वगैरह कोयल वगैरह आती है, काफ़ी मीठे होते हैं ये, वही खाते हैं, पर पूरा नहीं खाते हैं, आधा खाते। बच्चे फिर से आए हैं जामुन लेने के लिए। ये देखिए मैं कितनी ऊपर हूँ, ज़्यादा ऊपर नहीं हूँ, फिर भी काफ़ी डर लग रहा है मुझे। ये खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छों का। ये पेड़ पे चढ़ना कोई बच्चों का काम नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। और ये जो गांव के लोग होते हैं ये लोग ही एकदम अच्छे तरीके से चढ़ पाते हैं। अभी ये जामुन तोड़े हैं, देखो कितने सारे हैं। जिसको भी खाने जामुन आप हमारे यहाँ आ सकते हो अभी, क्योंकि इनका सीजन अब थोड़े दिन ही है, बाद में फिर नहीं आएंगे। ये देखिए इसके सहारे से तोड़ना पड़ेगा क्योंकि अब काफ़ी दूर है, इसीलिए पकड़ो अभी इसी के सहारे से डालिए, क्योंकि काफ़ी दूर है, वो हाथ में नहीं आ सकती है क्योंकि साइड में काफ़ी ज़्यादा है, उधर ही हमारा हाथ नहीं पहुंच रहा है। ये देखिए इस तरीके से तोड़ेंगे, अब नज़दीक लाएंगे, बाद में फिर एक एक करके तोड़ने पड़ेंगे क्योंकि इनमें भी कच्चे भी हैं काफ़ी। कितने मज़े से खा रहे हैं ये, लाओ डालिए, मुझे दे रहे हैं। ये देखिए इसमें भी जामुन है। ये भी जामुन खा रहे हैं, मैं भी जामुन खा रही हूँ। चुके हम सारे जामुन, सारे तो क्या है, मतलब जितने हमारे को चाहिए थे उतने हमने तोड़ लिए हैं। दो घंटे से मैं इसी पोजीशन में यहाँ खड़ी हूँ, ये देखिए पोजीशन है मेरी, इसी पोजीशन में मैं यहाँ खड़ी हूँ। मेरे पैर एकदम थक के चूर हो चुके हैं, खड़े रहने की भी हिम्मत नहीं है। ये देखिए अभी हम नीचे उतर रहे हैं और जामुन की ठेली को पहले नीचे उतार रहे हैं क्योंकि काफी भारी हो चुकी है। देखने में थोड़ा सा लग रहा है पर बहुत दूर है ये। मुझे नीचे उतारो, अभी उतारो, रुक मैं पहले नीचे उतर रहा हूँ फिर तेरे को उतारता हूँ। नहीं पहले मुझे नीचे उतारो। नहीं मैं अभी ये उतर है, फिर मेरे को भी उतारेंगे नीचे। ये तो बड़ा रिस्की काम है, अब मैं उतरूँ कैसे, ये भगवान तुम्हारे ऊपर है सब कुछ। नीचे उतर चुके हैं छोड़ दिया, मैं कैसे उतरूं, मुझे उतरना भी नहीं आता, ना तो चढ़ना आता है ना उतरना आता है मुझे। अब मेरी हेल्प करो नीचे उतरने के लिए। नीचे उतारो, तो उतर चुके हैं अभी हम जामुन के पेड़ पर से, और अभी हम ये पानी वानी पियेंगे। ये देखिए ये रहे जामुन, ये रहे।
बुरी तरीके से थक चुके हैं, मेरे से ज़्यादा ये भी थके हैं, क्योंकि मैं तो एक जगह पे थी। पर एक जगह पे ऐसा होता है कि ना थोड़ी देर ही अपन खड़े रह सकते हैं, ज़्यादा देर तक नहीं खड़े रह सकते हैं। अभी थक चुके हैं इसलिए पानी वानी पी रहे हैं, फिर थोड़ी देर के बाद फिर घर पर निकल जाएंगे हम लोग। और जिसको भी जामुन देने उसको देंगे, थोड़े बहुत हम लोग रखेंगे, रख रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं, घर पे निकलने की तैयारी हो रही है। तो अब निकल रहे हैं हम लोग घर की तरफ। अभी थोड़ा यहाँ अंदर खेत में कुछ काम है, इसीलिए हम 5 मिनट के लिए कुछ यहाँ काम है इसीलिए हमको करना है वो, उसके बाद फिर हम घर जाएंगे। और यहाँ देखिए कोई जानवर आया था, उसी के पैर के निशान है, तो पूरे देखिए कितने बड़े बड़े हैं। तुम लोगों ने देखा होगा, एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कि देखिए ये तीतर के अंडे हैं। ये हमारे यहाँ पे हमने एक खेत में एक लगाई थी बेल, मतलब सब्जी के लिए, उसमें फूल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और पर उसमें एक भी अभी फल नहीं लगा, एक दो ही लगे थे। तो ये हम लोबान से धूप देंगे, ये रही लोबान। इस बार हमारे यहाँ उड़द की खेती की जाएगी, ये जितना भी खेत का एरिया है इसी में पूरे में उड़द ही उगाए जाएंगे अब की बार हमारे। अब चलते हैं हम घर पर, और धूप हमने दे दी है गूगल की। और ये देखिए हमारा खेत है ये पूरा, इसमें भी उड़द वगैरह लगाए जाएंगे और इसमें भी उड़द ही लगाए जाएंगे अब की बार हमारे।